आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 77 नए मामले सामने आए, जबकि प्रदेश में कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 14, हरिद्वार में 13, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में 10, पिथौरागढ़ में 9, उधमसिंह नगर में 5, चमोली में 4, चंपावत पौड़ी में 3, टिहरी और अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर व उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर किसी भी जिले में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। इससे पहले 28 मार्च 2021 को प्रदेश में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई थी। वहीं 104 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। ब्लैक फंगस का एक मरीज मिला, एक की मौत। प्रदेश में बुधवार को ब्लैक फंगस का एक नया मरीज मिला, जबकि एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब कुल मरीजों की संख्या 510 हो गई है, जबकि 110 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 100 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री। तो प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। जिनका बिल 200 यूनिट तक होगा उन्हें 50% तक की छूट दी जाएगी। वहीं डेयरी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर के कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को अब घरेलू श्रेणी में लाया जाएगा। बुधवार को ऊर्जा भवन में प्रदेश के पहले ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। 4,500 पदों पर भर्ती ढांचे का पुनर्गठन। तो ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की ऊर्जा निगमों विशेषकर UPCL में आज जो ढांचा है वह 20 से 25 साल पुराना है। तब करीब 8 लाख उपभोक्ता होते थे, लेकिन आज 26 लाख उपभोक्ता हैं। लिहाजा पेट्रोलमैन, लाइनमैन, JE के तमाम पद रिक्त हैं। यह तय किया गया है कि अभी तक PRD और उपनल के संविदा कर्मियों को छोड़कर रिक्त करीब 4,500 पदों पर तेजी से भर्ती की जाएगी। साथ ही ढांचा पुनर्गठन के बाद जो भी पद उन पर भी तेजी से भर्ती की जाएगी। इससे रोजगार बढ़ने के साथ ही निगमों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। उत्तराखंड में डेल्टा प्लस का पहला मरीज मिला। तो उधमसिंह नगर के गदरपुर में मिला पहला मामला। तो कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। उधमसिंह नगर जिले के गदरपुर में डेल्टा प्लस का पहला मामला मिला है। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल में इसकी पुष्टि हुई है। कोरोना के नए वेरियंट से संक्रमित मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर निगरानी बढ़ा दी है। यूपी से आया था युवक। तो लखनऊ स्थित बलरामपुर सरकारी अस्पताल कैंपस निवासी 23 वर्षीय BTech का छात्र दिनेशपुर में अपने चाचा के घर आया हुआ था। उसने 29 मई को गदरपुर CSC में सैंपल दिया था। उस दौरान रैपिड एंटीजन टेस्ट में वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। होम आइसोलेशन की अवधि पूरी होने के बाद वह अपने घर लौट गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप पांडे ने बताया कि उसका RT-PCR सैंपल जांच के लिए NCDC लैब दिल्ली भेजा गया। मंगलवार शाम आई रिपोर्ट में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई। दिलीप कुमार की फिल्म मधुमती में दिखा था उत्तराखंड का हुस्न। तो अभिनव सम्राट दिलीप कुमार की सफल संगीतमय सस्पेंस फिल्म मधुमती में उत्तराखंड के हुस्न से आम लोगों का तारुफ कराया था। 1958 में नैनीताल के निकट भवाली और घोड़ाखाल में इसकी शूटिंग हुई थी। इसके बाद इस इलाके में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई। तमाम पर्यटन स्थलों पर पार्किंग और जाम से जूझता उत्तराखंड। तो पर्यटन स्थल के तौर पर उभरने का सपना पाले उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर बेमुसार समस्याएं हैं। ट्रैफिक जाम, पार्किंग का भाव, ट्रैकिंग रूटों पर ठहरने और खाने की दिक्कतें आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण प्रदेश में पर्यटन उद्योग गति नहीं पकड़ पा रहा है। NDA प्रवेश परीक्षा में आदित्य रहे टॉपर। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की प्रवेश परीक्षा में दून राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के कैडेट ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। बजट न होने से अटकी मरम्मत, रोडवेज बस सेवा लड़खड़ाई। तो पर्वतीय डिपो की 30 से ज़्यादा बसों के पहिए थम गए हैं। आज से दिल्ली के लिए हर 30 मिनट पर मिलेगी बस। तो दिल्ली जाने वाले को बृहस्पतिवार से ISBT से हर 30 मिनट पर रोडवेज की बस मिलेगी। हालांकि फिलहाल निगम केवल अपनी बसों का संचालन करेगा, अनुबंधित बसों का संचालन शुरू नहीं होगा। 62 दिन बाद प्रदेश की बसों के लिए खुले UP के दरवाजे। तो 62 दिन बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की बसों की एंट्री मिल गई है। यूपी सरकार ने जैसे ही बुधवार को इसकी अनुमति दी वैसे ही परिवहन विभाग ने बसों का संचालन शुरू कर दिया। पहले दिन कम संख्या में बसें गई, लेकिन बृहस्पतिवार से दून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार से दिल्ली के लिए बस संचालन पूरी तरह से सुचारू हो जाएगा।
हर 11वें घर में डेंगू का लार्वा, तो राजधानी दून में डेंगू कभी भी अपना प्रकोप दिखा सकता है। इसका कारण यह है कि जिले में हर 11वें घर में डेंगू मच्छर का लार्वा पल रहा है। दून अस्पताल में अब 2 बजे तक कराएं विशेषज्ञों से इलाज, तो दून अस्पताल में जल्द ही मरीजों को 12 के बजाय 2 बजे तक विशेषज्ञ चिकित्सकों से इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। देहरादून में फेफड़ों के लिए मिली पहली किस्त, तो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण नगर वन योजना उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार में शीघ्र ही आकार लेगी। निवेश करने का झांसा देकर के 3 करोड़ रुपए ठगे गए हैं, तो देहरादून से खबर आई है। वहीं खबर आई है देहरादून से, नेहरू कॉलोनी में स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया, शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने पहुंची महिला, तो हरिद्वार की एक महिला बुधवार को गांधी पार्क के सामने पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने पहुंच गई। महिला हरिद्वार के एक बड़े संत पर जमीन की खरीद फरोख संबंधी कई गंभीर आरोप लगा रही थी। महिला का पुलिस प्रशासन पर भी आरोप है कि वह कमिश्नर के आदेश को नहीं मान रहे हैं। ऋषिकेश से खबर है, ये नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश गिरफ्तार, तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास में कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के खिलाफ कोतवाली में पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 कॉलेजों में एडमिशन की तिथि तय नहीं, तो शहर के 3 प्रमुख पीजी कॉलेजों में अभी स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि तय नहीं हुई है। इन कॉलेज में 12वीं के परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। DBS में शुक्रवार को होगा फैसला, तो DBS PG कॉलेज में शुक्रवार को प्रवेश को लेकर बैठक रखी गई है। इस बैठक में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने को लेकर चर्चा होगी। MKP में ऑनलाइन कराई जा रही है परीक्षा की तैयारी, वहीं DAB में भी ये रिजल्ट का इंतजार है। 50% क्षमता के साथ खोले जाएं विश्वविद्यालय और कॉलेज, तो छात्र संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय 50% क्षमता के साथ खोलने की मांग की है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए करना होगा अभी इंतजार, तो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं तो आपको 6 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। RTO में फिलहाल प्रतिदिन सिर्फ 50 ड्राइविंग लाइसेंस ही बनाए जा रहे हैं, जबकि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की लंबी कतार है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो वन रक्षक के पदों पर अवसर, तो 75 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट 21 सितंबर को होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य पद रिक्त, तो 76 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन नेवी में सेलर बनने का मौका, तो 350 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की तारीख 19 से 23 जुलाई तक है। सीनियर असिस्टेंट सहित कई पद खाली, तो 195 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कैबिनेट में फिर आ सकता है मामला, तो अति शिक्षकों के पद रिक्त न रखने का मामला एक बार फिर कैबिनेट में आ सकता है। इस पर कैबिनेट स्तर में जरूरी सुधार हो सकता है, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसके संकेत दिए हैं। दून शहर में कोरोना का टीकाकरण अभियान ठप, तो देहरादून शहर में कोरोना का टीकाकरण अभियान लगभग ठप हो गया है। गुरुवार को एक भी केंद्र पर कोविशील्ड की पहली या दूसरी डोज नहीं लग सकी। दिल्ली के लिए वाया यूपी चलने लगी रोडवेज की बसें। पत्नी कोमा में, साले के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए, तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की कोविड-19 शहीद श्रद्धांजलि यात्रा जारी है। बुधवार को उन्होंने कांवली क्षेत्र के द्रोणपुरी काली मंदिर कॉलोनी में पीड़ित परिवारों का हाल जाना। कांग्रेस का राज्य भर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, तो देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, कहा कोरोना काल में महंगाई से जनता बेहाल है। खाई में गिरी कार का क्लेम देना होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को खाई में गिरी कार का क्लेम पीड़ित को देना होगा। स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित की अपील को सही ठहराकर क्लेम राशि के साथ 35,000 रुपये मानसिक संवेदना और 10,000 वाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया है। राज्य में 20 से थम जाएंगे रोडवेज बसों के पहिए, तो रोडवेज में अप्रैल से कर्मचारियों का वेतन आधा करने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने 20 जुलाई से प्रदेश भर में बेमियादी बहिष्कार शुरू करने की चेतावनी दी है।
इंटर्न डॉक्टर के पक्ष में उतरे गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र। तो पिछले 5 दिन से मेडिकल कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे इंटर्न डॉक्टर के पक्ष में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी उतर गए हैं। गुलदार आदम कौर घोषित शिकारी तैनात। तो सतपुली से खबर आई है, द्वारीखाल के बिचला डांगू और कोट ब्लॉक के नौगांव में दहशत का पर्याय बने गुलदार को नरभक्षी घोषित करते हुए उसे मारने की मांग को लेकर के बुधवार को ब्यास घाट के क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग सड़क पर उतर गए। लोगों ने विभाग पुआ प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों के गुस्से को देखते हुए वन विभाग ने गुलदार को आदमखोर घोषित कर शूटर तैनात कर दिए हैं। बारिश के लिए नरसिंह देवता की दशरथ पर्वत यात्रा। तो नौलाधार में स्नान के बाद किया विराजमान। कर्णप्रयाग से खबर आई है, सड़क दुर्घटना में चालक की मौत। कर्णप्रयाग नोटी पर मोटर मार्ग पर नेणी के पास मारवाड़ी तोक में एक ट्रक 70 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना में ट्रक चालक की मौत हो गई। बद्रीनाथ गौरीकुंड हाईवे पर रहेगी एम्बुलेंस। तो संवेदनशील स्थानों पर किया जा रहा है चिन्हित। श्रीनगर से खबर आई, MBBS प्रशिक्षकों ने गेट पर लगाई झाड़ू। तो जय हो छात्र संगठन ने किया आंदोलन का समर्थन। वहीं खबर आई चंबा टिहरी से, औद्योगिक वानिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश की राह ताक रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय ने तीनों परिसरों में 2021-22 के लिए स्नातक स्नातकोत्तर और PhD में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दिया। अभ्यर्थी 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा के पक्ष में व्यापारी लोग बोले कुंभ से सबक ले सरकार। तो श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार में एक बार फिर मंथन चल रहा है। कांवड़ियाँ बड़ी संख्या में अपने आराध्य देव भगवान शिव के दर्शन के लिए नीलकंठ धाम पहुँचते हैं। लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम मुनि की रेती तपोवन क्षेत्र में शिव भक्त जमकर खरीदारी करते हैं। ऐसे में स्थानीय व्यापारियों को कांवड़ यात्रा से लाभ मिलता है। योग नगरी के व्यापारी कोविड नियमों के अनुपालन के साथ कांवड़ यात्रा शुरू करने के पक्ष में हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो काम करने के लिए एक दिन भी बहुत धामी। तो कैबिनेट मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री ने मां गंगा का पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। हरिद्वार डिपो से दिल्ली व यूपी के लिए बसें आज से चलेंगी। अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर हो कांवड़ यात्रा। तो धर्मनगरी व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर पंजीकरण के साथ कांवड़ यात्रा शुरू करने की मांग की है। वहीं खबर है, रोशनाबाद से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास। तो 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, लैंगिक हमला और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट्रैक विशेष ने मोहम्मद सुल्तान ने दो युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास और 55,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो बिजली बिल के झटकों से सब हकलान। तो 2 महीने के बिल के चक्कर में कट रही जेब। चालू मीटर के बावजूद खराब मीटर दर्शाकर दिए जा रहे हैं कई बिल। अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बनाए आधार कार्ड। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लोगों के आधार मोबाइल अपडेट कराने के लिए सभी डाकघरों को अधिकृत किया है। 4 महीने बाद दौड़ी रोडवेज बसें। तो यूपी से अनुमति मिलने के बाद अंतर्राज्यीय बसों का संचालन शुरू हुआ है। वही खबर है, हल्द्वानी से युवती को लेकर 2 पक्षों में पथराव। तो युवती को लेकर हुए विवाद में बुधवार को रात 2 पक्षों में पथराव हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के 2 लोगों को पकड़ लिया है। वही खबर है, देहरादून से पॉलिसी का झांसा देकर के 3 करोड़ रुपये की ठगी की गई है। 3 दिन से लापता युवक का शव ट्रैक पर पड़ा मिला। तो 3 दिन से लापता हल्दू चौड़ के युवक का छद बिछद शव नानतीन खड़िया इंडस्ट्री के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती स्क्रीनिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो अभ्यर्थी अपना कट ऑफ जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए कट ऑफ भी जारी कर दी गई है, साथ ही रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। और उसके साथ यहाँ पर अभ्यर्थी जो है अपने नाम से भी अपना नंबर देख सकते हैं। युवती ने नहर में लगाई छलांग, पुलिस ने बचाया। तो पति के साथ अनबन से तंग आकर बनबसा की एक 22 वर्षीय युवती ने शारदा नहर में छलांग लगा दी।
दारमा और ब्यास घाटी में मददगार साबित हो रही हेलीकॉप्टर सेवा, तो गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज दिलाने में जुटा है प्रशासन। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो 3,444 ने लगाई वैक्सीन, तो रुद्रपुर से खबर आई है। काशीपुर से खबर है, हाथी के कुचलने से वन गुर्जर की मौत हो गई, वहीं खून की उल्टी होने से सुरक्षा गार्ड की मौत, तो काशीपुर से खबर आई है, एक फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी कर रहे गार्ड को सीने में तेज दर्द और खून की उल्टियां हो गई, इलाज के लिए ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं खबर है, केलाखेड़ा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, तो मोहल्ला फिदा नगर के घर से कुछ दूरी पर एक युवक संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला। 59 कॉलेजों के ओबीसी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड गायब, तो समाज कल्याण विभाग ने फिर एसआईटी को दिया अधूरा रिकॉर्ड। वहीं खबर है, ये काशीपुर से, लूट की अफवाह ने पुलिस को छकाया, तो मामला सड़क पर रुपए गिरने का निकला, पुलिस वादी पर करेगी कार्रवाई। वहीं तिली रतेली पुरस्कार के लिए 2 फॉर्म आए, तो आवेदन के लिए विभाग के चक्कर काट रही बालिकाएं और महिलाएं। उत्तराखंड में 163 करोड़ की 26 पेयजल योजनाएं मंजूर, तो जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड के लिए 163 करोड़ की 26 पेयजल योजनाएं मंजूर हुई हैं। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल की मौजूदगी में देहरादून के केंद्रीय जल जीवन मिशन के अधिकारियों की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दी गई। 41 साल बाद नैनीताल सांसद को केंद्र में जगह, तो साल 1980 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एनडी तिवारी बने थे योजना, उद्योग, श्रम और खाद्य और इस्पात मंत्री। कॉर्बेट के लिए ऑनलाइन बुकिंग 15 जुलाई तक खुली, तो कोरोना संक्रमण कम होते ही कॉर्बेट पार्क की सैर पर आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। 29 जुलाई को कॉर्बेट पार्क के लिए जंगल सफारी खोले जाने के बाद 9 दिनों में ही कॉर्बेट पार्क ऑनलाइन बुकिंग 80% फुल हो गई। 5-10% लोग बुकिंग कराने के बाद कोरोना के डर से बुकिंग निरस्त करा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में वर्णमाला को भी बना दिया चयन का आधार, तो यदि आपके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है, तो आप उन चुनिंदा खुद किस्मत लोगों में से हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है। यदि ऐसा नहीं, तो फिर अगली परीक्षा देने के लिए 1 साल और इंतज़ार कीजिए। जी हां, ये सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया का एक आधार है, जो उस समय लागू होता है जब किसी लिखित परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों के समान अंक और समान उम्र होती है। ऐसे में एक अभ्यर्थी को भारी नुकसान होता है, और बेरोजगार के लिहाज से देखा जाए तो ये नियम किसी बेरोजगार को मेहनत कश युवा के लिए जरा भी सही नहीं है। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की ओर से इन दिनों सरकारी विभागों में समूह ग की भर्ती के लिए विज्ञप्तियां निकाली जा रही हैं। हाल ही में विभिन्न विभागों में करीब 434 और उससे पहले पटवारी के 366 रिक्त पदों पर विज्ञप्तियां निकाली। चयन प्रक्रिया को लेकर कुछ नियमों की जानकारी भी उसमें दी गई है। बताया गया कि यदि भर्ती परीक्षा में किन्हीं अभ्यर्थियों के अंक समान आते हैं, तो चयन में वरीयता अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। वहीं खबर आई है, हल्द्वानी से निगेटिव रिपोर्ट नहीं लाने पर 350 लौटाए, तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पुलिस महकमा अलर्ट मोड में आ गया है। बुधवार को नैनीताल जिले में सभी बैरियरों पर 24 घंटे चेकिंग अभियान शुरू कर दी गई। बाहर से आ रहे पर्यटकों और अन्य लोगों को कोरोना रिपोर्ट जाँच की जा रही है। पहले दिन बिना कोरोना जाँच रिपोर्ट के जिले में घुसने आ रहे 350 यात्रियों और पर्यटकों को बैरियरों से ही वापस लौटाया गया। वहीं खबर है, खटीमा से 28 क्विंटल खैर की लकड़ी से भरा पिकअप पकड़ा, तो वन विभाग ने 28 क्विंटल खैर की लकड़ी भरा पिकअप पकड़ा है। वाहन का एक्सल टूटने के बाद चालक फरार हो गया। मानसून जंगलों में अलर्ट, वन कर्मियों की छुट्टी रद्द, तो तराई केंद्रीय वन प्रभाग के जंगलों में मानसून सीजन के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। जंगलों में लकड़ी और वन्य जीव तस्करों की घुसपैठ रोकने और 24 घंटे गश्त करने के लिए कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। अपहार्य कारणों में कर्मचारी को छुट्टी दी जाएगी। बात करते हैं अल्मोड़ा बागेश्वर की खबरों की, तो अल्मोड़ा में 60% तक घटे बचत खाते, तो कोरोना की मार, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और तीसरी लहर के बीच बैंक भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अल्मोड़ा में गंदा पानी आने से भड़के कांग्रेसी, अल्मोड़ा के 3 ब्लॉकों में वेलनेस सेंटर बनेंगे। पर्यटन से जुड़े लोगों को प्राथमिकता से लगेगा टीका, तो कोरोना के चलते चौपट पर्यटन व्यवसाय में जान फूंकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से नई पहल की शुरुआत की गई है।
दाल और सब्जी के दामों से बिगड़ा रसोई का बजट तो 30 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी के साथ 150 रुपये तक पहुँचा राजमा। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारी, तो रानीखेत से खबर है। भाजपा ताड़ीखेत मंडल की बैठक में मंडल प्रभारी घनश्याम भट्ट ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बूथ स्तर पर स्वास्थ्य स्वयंसेवक समितियों का गठन किया जाएगा। अल्मोड़ा के बाजार बुधवार को लोगों से गुलजार रहे। प्रधानों ने ब्लॉकों पर तालेबंदी कर प्रदर्शन किया। वही खबर है यह बागेश्वर से। बागेश्वर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का फूटा गुस्सा। एएमए के आश्वासन पर खोला गोपा ने उपवास, तो बागेश्वर जिला पंचायत भीषण गर्मी में उपवास पर बैठी गोपा।